हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस अकेडमी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जब भी पाकिस्तान यूएन में जाता है या यूएनएससी में जाता है तो कश्मीर का मुद्दा जरूर उठाता है, लेकिन भारत के जो विदेश मंत्री हैं अजय शंकर साहब, उनके द्वारा जो वहाँ के विदेश मंत्री पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं एम बिलावल भुट्टो, उनको उनकी खिंचाई कर दी है, उनको खरी खोटी सुनाई है आतंकवाद को लेकर। आइए जानते हैं क्या क्या बोला गया है और वीडियो देखने के बाद अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। आप लोग बता दूं क्या कहा गया था जयशंकर के साहब के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दा उठाने पर भारत ने बुधवार को पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए कहा है कि एक देश जिसने अलकायदा नेता ओसामा बिन लादेन को मेजबानी की और अपने पड़ोसी देश की संसद पर हमला किया, उसके पास संयुक्त राष्ट्र पर उपदेश देने की साख नहीं है। और उन्होंने कहा, दुनिया जिसे अस्वीकार मानती है उसे सही ठहराने का सवाल ही नहीं उठता। चाहे यह निश्चित रूप से सीमा पर आतंकवाद के राज्यों प्रायोजन पर लागू होता है, न ही ओसामा बिन लादेन की मेजबानी करना और एक पड़ोसी देश के संसद पर हमला करना इस परिषद के सामने उपदेश देने के लिए प्रामाणिकता के रूप में काम कर सकता है। ने सीधे सीधे बिना पाकिस्तान का नाम लिए उनको खरी खोटी सुनाई। वहां पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री जो है एम बिलावल भुट्टो मौजूद थे। यानी पूरी तरह से पाकिस्तान का एकदम हंसी मजाक उड़ रहा है इस सवाल जवाब को लेकर। और यूएनसीसी में जितने भी सदस्य मेंबर मौजूद थे वो बहुत हंस रहे थे इस बात को लेकर। सही बात है, पाकिस्तान को कोई देश अस्वीकार करता है क्योंकि आतंकवाद वहाँ तो फैला रहा है। अभी हाल ही में न्यूज आई थी कि वहाँ पे बहुत सारे बम विस्फोट किए गए, बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए हैं। आप लोग इसके ऊपर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा।